Actress Kangana Ranaut has once again targeted film industry colleagues, saying that there are many selfish people in Bollywood who show indifference towards people of our country. Kangana Ranaut was interacting with the media at the press conference of Kaveri calling tree plantation campaign on Thursday in Mumbai. The Brihan Mumbai Municipal Corporation recently gave approval to cut over 2,600 trees for a metro car shed in RA colony adjoining suburban Koregaon, which is known as the major green lung of the city. Celebrities including Lata Mangeshkar, Shraddha Kapoor and John Abraham have expressed their disappointment over the civic body's decision. Asked whether she would like to appeal her colleagues from film industry to talk about RA colony issue, Kangana said, I think सबको ही आगे आना चाहिए और मैं ये भी अपने मीडिया के दोस्तों से ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा उनके लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कीजिए क्योंकि काफ़ी सेल्फिश जो है वो वर्ताव जो है डिस्प्ले करते हैं वो लोग और काफ़ी इनडिफरेंस भी दिखाते हैं देश को लेके देशवासियों को लेके शहर को लेकर तो आप लोग भी किसको पेडेस्टल पे बिठाना है और कौन इंसान जो है पावर शुड बी गिवन टू दोज हु यू नो हु डोंट मिस यूज़ इट तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है और आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितना हमारे हमारे शहर को और इनफैक्ट महाराष्ट्र में ये अगर मैंने जैसे कहा कि कावेरी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो डेफिनेटली वी शुड ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ हियर एंड डू द सेम विद ड्राउट स्ट्रिकन एरियाज इन महाराष्ट्र वहाँ पे फार्मर्स को कन्वर्ट करना चाहिए टू ट्री बेस्ड फार्मिंग तो हम लोगों को करना चाहिए सब और काम तो होता ही रहेगा ऐसा नहीं है जैसे कि अगर आप अपनी आमदनी में से 42 रुपये देते हैं तो इस तरह से थोड़ा ना कि आपका कोई काम डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ मगर ये तो एक एहसास है अगर आप में है ही नहीं तो फिर वही बात है कि यू नो क्या इलाज है आपका Kangana also expressed a disappointment over civic body's decision to cut 2,600 trees in our colony. होना चाहिए आई थिंक ऐसे ही उठ के एक दिन पेड़ काट देना is not something that should be allowed. मैं बहुत strongly ये मानती हूँ कि जिस तरह से हम human lives के around काम करते हैं अगर आपको कोई building demolish करनी हो renovate करनी हो तो आप थोड़ा ना वहाँ पर खड़े लोगों पर bulldozer चला देंगे आप कुछ ना कुछ तो उनका इंतज़ाम करेंगे उनको कहीं shift करेंगे उनको देखेंगे वो shift हो गए उनके सामान चले गए तब तो जाके आप चलाएँगे वहाँ पर bulldozer लेकिन पेड़ों के साथ में या एनिमल्स के साथ में क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं ये अरेंजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो भी ट्रीज़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं एक 3-4 साल की योजना बनाकर पहले कुछ ट्रीज़ जो हैं बिकॉज मुझे लगता है आर्य जो मिल कॉलोनी है काफ़ी स्कैंटी है ऐसे भी वहाँ पर ट्रीज़ एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है सैपलिंग्स जो है उसमें इंसर्ट करके लगाए जा सकते हैं और उनका कुछ ना कुछ एक ग्रोथ रेट देख के उनका सर्वाइवल रेट देख के उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेट्रो का इंतज़ार तो कर सकते हैं लेकिन जो जो ट्रीज़ हैं उनको इस तरह से काट के हम इस शहर को एकदम कॉन्क्रीट जंगल नहीं बना सकते माइनस रिपोर्ट